हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हिनास टॉक। पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं बैंगलोर से सूरत आ चुकी हूँ, पर सूरत में आगे अगर कुछ अच्छा सा टेस्ट नहीं किया तो क्या किया। पिज़्ज़ा सबको पसंद है राइट, और ज़्यादातर पिज़्ज़ा किस में बनते हैं, ओवन में। पर आज मैं बताने वाली हूँ कि वुड फायर पिज़्ज़ा, यानी कि वुड फायर पिज़्ज़ा कैसे बनते हैं। ओवन में तो सबने टेस्ट किया ही है कि कैसे पिज़्ज़ा बनते हैं, आज हम देखेंगे कि भट्ठे में पिज़्ज़ा कैसे बनते हैं। चलो तो देखते हैं कि भट्ठे में पिज़्ज़ा कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स तो हम देखते हैं कि वुड फायर पिज्जा कैसे बनते हैं, यानी कि भट्टी में पिज्जा कैसे बनते हैं। हम सबने टेस्ट किया है कि ओवन के पिज्जा कैसे होते हैं, पर आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि भट्टी के पिज्जा कैसे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये भट्टी दिखाना चाहूंगी। ये आप भट्टी देखिए, इसमें ऑलरेडी एक पिज्जा हो रहा है। ये ओनर है, ये यहाँ के ओनर है, पिज्जा हॉलिक के ओनर, द वुड फायर पिज्जा, जिसको ये आइडिया आया है कि वुड फायर पिज्जा कैसे बनाते हैं, ओवन में ये पिज्जा क्यों नहीं बनाते हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये आइडिया इनको कहाँ से आया। हेलो अंकल, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि चलो अब हम वुड फायर पिज्जा बनाते हैं, यानी कि भट्टी में पिज्जा बनाते हैं। ये एक अलग टाइप का टेस्ट रहता है, इसमें स्मोकी टाइप का टेस्ट रहता है। ओवन में जो पिज्जा बेक होता है उससे ये थोड़ा अलग, इसमें टेस्ट भी डिफरेंस आता है, और जब पकने के बाद उसमें जो फ्लेवर आता है वो स्मोकी फ्लेवर आता है, तो एकदम मतलब अलग सा टेस्ट लगता है। मतलब देसी स्टाइल जिसको बोलते हैं उस टाइप का, ओवन से एकदम अलग ही है, एकदम डिफरेंस रहता है। और यहाँ की स्पेशलिटी है चीज बर्स पिज्जा, ये वुड फायर में बना हुआ चीज बर्स पिज्जा खाते हैं तो उसका खाने का मजा कुछ अलग ही होता है। ये भट्टी शुरू होने में कितना टाइम लगता है? भट्टी शुरू में ये एक बार टेम्परेचर आ जाता है, फिर रात में भी ऐसे छोड़ देते हैं तो सुबह में इसका टेम्परेचर रहता है, लेकिन सुबह में इसका पूरा वॉशिंग होता है दो बार, फिर टेम्परेचर तो बना ही रहता है, फिर अंदर क्लीन होता है। हाँ, क्लीन एक बार पूरा दो बार वॉश होता है सुबह में एक टाइम, यानी कि ये पूरा क्लीन ही रहता है। फिर पूरे दिन इसमें खाली ब्रश लगता है, सुबह में दो बार वॉश होता है, फिर टेम्परेचर उसका नॉर्मल मतलब 80% 90% जितना तो रहता ही है। फिर अगर डालते हैं तो 10 से 15 मिनट में वापस टेम्परेचर बन जाता है, सेट हो जाता है। हाँ। और कितने टाइम से है यहाँ पर ये पिज्जा वाले? ये आउटलेट नहीं आ रहे। हाँ। अपना फरवरी में स्टार्ट किया है। अच्छा, वैसे मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है पिज्जा में। हाँ। अच्छा, और कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसे आता है, क्योंकि ये पिज्जा एकदम न्यू है, ओवन में तो सब लोग खाते हैं ये पिज्जा, ये गुड फायर पिज्जा है, कुछ लोग अलग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है आपको? वो आप खुद कस्टमर को भी पूछ सकते हैं, फिलहाल बैठे हुए हैं। हाँ। खुद कस्टमर को भी रिव्यू ले सकते हैं, हम भी फीडबैक लेते हैं। हाँ। कोई कस्टमर आज तक कभी ऐसा बोला नहीं है कि भाई टेस्ट में कुछ डिफरेंस है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, अलग है। ये सब भी फ्रेश डो में बनता है, डेली का डेली लाइव, मतलब ये रोलिंग किया जाता है, आधे घंटे पहले रोलिंग करके रखते हैं, फिर जैसे कस्टमर आने चालू होते हैं इसमें से रोलिंग किया हुआ ही सीधा, तो डो वगैरह सब इधर ही बनता है, डेली का डेली फ्रेश। कुछ गंदा या फिर कुछ वेस्ट हो उसमें से बेस्ट बनाने का आइडिया वैसा तो कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश ही होता है ना सब। ये फ्रेश डो है, आज बना, अभी शाम फिनिश, जो बचा वो सीधा डस्टबिन में चलने हैं। यानी कि ये मशीन है डो बनाने की, देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये मशीन है, मशीन भी आप देखिए कि ये कितनी क्लीन है, यानी कि यहाँ पर पूरा जो आइटम है, पूरा जो भट्टी है, डो बनाने की मशीन है, जो सब रखने की जगह है, यानी कि आपके पिज्जा रखने की जगह, कुछ भी आप देख लो, कहीं भी कुछ भी कोई भी गंदगी नहीं है, सबका सब क्लीन है, यहाँ तक कि यहाँ का जो स्टाफ है उसने कैप पहनी हुई है, हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए, सब कुछ सेफ्टी में हो रहा है, कुछ भी गंदा नहीं है, यहाँ का पिज्ज़ा एकदम बेस्ट और हेल्दी भी रहता है, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं है, आपको यहाँ से पिज़्ज़ा का टेस्ट अलग ही आएगा, ये मैं आपको श्योर से कह सकती हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि ये डो से एकदम
क्लीन बना हुआ है। अगर यहाँ से कुछ भी बच भी गया तो ऐसा नहीं है कि कल परसों इसको फिर से दोबारा यूज में लिया गया, यहाँ से वो सीधा डस्टबिन में ही जाता है, कल से फिर वो नया बनता है। आप यहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं जो ये बन रहा है। आप ये क्या बना रहे हैं? सी गार्लिक ब्रेड खाया तो बहुत है, आपने कभी बनते हुए देखा है कितनी क्लीन तरह कैसे यहाँ पर बनता है? आप देख सकते हैं कि स्टाफ ने भी पूरा ग्लव्स पहने हैं, कैप पहनी है, वो भी एकदम पूरी सेफ्टी से वो बना रहे हैं। मार्गरिटा पिज्जा कितना टाइम लगता है एक पिज्जा स्टफ होके तैयार होने में? 5 से 6 मिनट में एक पिज्जा रेडी हो जाता है। और टेम्परेचर कितना रहता है, हाई से हाई टेम्परेचर और लो से लो टेम्परेचर कितना रहता है? लो टेम्परेचर में तो नहीं पकता है, लेकिन ये 200 से 100-200 मेंटेन रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है, 200 से 100 सेल्सियस तक मेंटेन रखना पड़ता है, उसमें एकदम बढ़िया सा पिज्जा बनता है। और एक साथ कितने पिज्जा रेडी हो सकते हैं? वो एक साथ में 6 से 7 पिज्जा टेबल पर रखा हूं, 6 से 7 पिज्जा रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी 3 पिज्जा ऑलरेडी यहां पर है। फ्रेंड्स यहां पर वुड फायर पिज्जा के साथ साथ आपको अलग अलग टाइप की सैंडविच, नाचोस और पास्ता भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वुड फायर पिज्जा ही मिलेंगे, आपके टेस्ट के अनुसार आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सैंडविच भी मिलेगी, टेस्टी नाचोस भी मिलेंगे और अलग अलग टाइप के पास्ता भी मिलेंगे। मार्गरिटा पिज्जा था और वो रेडी भी हो चुका है, तो चलो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि वो पिज्जा कैसा बना है। चलो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा यम्मी यम्मी मार्गरिटा चीज बर्स्ट पिज्जा रेडी है। आप देख सकते हैं कितना चीजी है। It's too yummy and too cheesy. I must say, ओवन के पिज्जा में और भट्टे के पिज्जा में यानी कि वुड फायर पिज्जा में बहुत सारा डिफरेंस होता है, बहुत सारा। आपको यहाँ पर आके जरूर से एक बार टेस्ट करना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलो तो मैं अपना ये पिज्जा कम्प्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया है कि मुझे पिज्ज़ा कैसा लगा है। चलो आपको अब दूसरे कस्टमर का रिव्यू भी दिखाती हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि रियली में ये पिज्ज़ा कैसा होता है। नाम हेलो, आपका नाम क्या है? भाविश। ओके, आपने ये कौन सा पिज्ज़ा ऑर्डर किया था? कैसा है ये पिज्ज़ा? बहुत अच्छा है। ओवन में जो रेगुलरली पिज्ज़ा खाते हैं और जो वुड फायर पिज्ज़ा होता है, क्या डिफरेंस क्या लगा आपको इसमें? यहाँ की जो चीज़ ब्रश है ना,
और ये चटनी है, ग्रीन चटनी जो बोली गार्लिक वाली है, इसकी इधर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ये ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा मिलता है और ये जो ग्रीन चटनी है वो एक्स्ट्रा मिलता है, बाहर जहाँ जाते हैं वो दोनों ये एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। और चीन प्लस में सब लोग देखा जो भी आना ज़्यादा टेस्टी होता है। हेलो, वो भी यहाँ की गार्लिक ब्रेड ही खाता है। गार्लिक ब्रेड ही खाता है। गार्लिक ब्रेड अच्छा है। चलो अब दूसरे कस्टमर से मिलते हैं। हाय। हाय बोल। हाय। हेलो। पिज़्ज़ा कैसा है? बहुत वेरी टेस्टी। आपने जो ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ये कौन सा पिज़्ज़ा है? वेजी वेजी डिलाइट है। वेजी डिलाइट। आपको यहाँ पर गुड फायर जो पिज़्ज़ा मिलता है उसमें और जो ओवन में पिज़्ज़ा बनता है उसमें क्या डिफरेंस लगता है? बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, अलग लगता है। चलो, सारे कस्टमर के रिव्यू बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि एक बार अगर आप सूरत से आए तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, गुड फायर पिज़्ज़ा टेस्ट कीजिए और खुद जानिए कि यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा होता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पिज़्ज़ा हॉलिक एक्चुअली में आया कहाँ पर है। एड्रेस तो वैसे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी, फिर भी मैं आपको एक बार इसका एड्रेस बता देती हूँ। शॉप नंबर 54 55 56, एटलांटा शॉपिंग मॉल, अपोजिट तुलसी आर्केड, सुदामा चौक, मोटा वराजा। और प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।